हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ केक आफ्टर वेरी लॉन्ग, एंड आल्सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एगलेस केक बनाऊंगी। सो होप सो आपको ये पसंद आएगा, एंड लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप दही, एंड यहाँ पे इसके बाद मैं ऐड करूँगी दूध, एंड आल्सो ये एगलेस केक है इसके वजह से मैं यहाँ पे मिल्क और दही ऐड कर रही हूँ। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ध्यान रखिएगा, हमेशा रिफाइंड ऑयल ऐड कीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल अगर आप ऐड करेंगे ये पूरा जो केक है उसका स्मेल पूरा ख़राब हो जाएगा। सो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद इसको अच्छे से हमें स्टीर करते रहना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ऐड करूँगी शुगर 1 कप। सो इसे भी हमें अच्छे से प्रॉपरली स्टीर करना है। तब तक स्टीर करना है जब तक जो शुगर है वो ग्राउंड ना हो जाए। सो इट्स बेटर कि अगर आपके पास ग्राउंडेड शुगर होगा तो आप ग्राउंडेड शुगर ऐड कीजिएगा। एंड इसको मैं तब तक मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस। सो ये लगभग हमारा जो चीनी है वो मिक्स हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल द ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें इसको छान के ही ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर यहाँ पे 1/2 स्पून जैसे कि आपने देखा, एंड इसको अच्छे से छान लेना है। इसको इसलिए छान के बैटर में ऐड करना होता है सो दैट कि अगर कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ऐड कर देने से लम्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दैट्स वाई हमें हमेशा कभी भी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐड करने से पहले हमें अच्छे से छान लेना चाहिए। एंड ऑल्सो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग ओनली 1 हैंड बिकॉज आई एम होल्डिंग कैमरा ऑन द अदर हैंड, जिसके वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, बट यू कैन डू इट नाइसली। एंड ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू ग्रीस द पैन। सो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, यहाँ पर ऐड करूँगी मैं ऑयल, एंड ऑल्सो इसके साइड में अच्छे से ग्रीस कर देना है आपको, और इसके बाद यहाँ पे पोर कर देना है आपका जो बैटर जो हमारा रेडी है वो। सो यहाँ पे जो बैटर बना के रेडी किया हुआ है इसको यहाँ पे अच्छे से ऐड कर देना है, और ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। सो इसे ऐड करने से पहले आपको इसे ऐसे 1-2 बार ऐसे हीट करना है ताकि अगर इसमें एयर बबल्स होंगे तो वो हट जाए। सो टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग इट इन कढ़ाई, क्योंकि ओवन जो है हमारा ख़राब हो चुका है, एंड मैंने पहले कभी नहीं बनाया, जो कि मैंने देखा हुआ है कि लोग ऐसे कढ़ाई में बनाते हैं। सो आई एम ट्राइंग माई ओन मेथड। सो कढ़ाई के ऊपर में मैंने यहाँ पर अंदर एक प्लेट डाल दिया है, एंड मैंने ये ढक्कन पहले डाली थी लेकिन ये अच्छे से कवर अप नहीं कर रहा था। सो इसका ढक्कन जो है मैंने अलग चूज़ किया है, क्योंकि हमें भीतर अंदर जो है कढ़ाई का अंदर प्रेशर बिल्ड अप करने देना है, जिसके वजह से आपको जो लीड है वो कढ़ाई को अच्छे से ढकने वाला चाहिए होगा। सो डू कीप दैट इन माइंड। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे करीबन लगभग केक बनने के लिए आपको लगेगा करीबन 30-45 मिनट्स, लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। और हमारा ये केक थोड़ा सा फूल के आया है, एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि ये अच्छे से बनेगा नहीं बनेगा, जिसके वजह से मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा टच करके देखा है, जो कि आप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत गर्म होता है। मुझे थोड़ा सा झटका भी लगा था। सो अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर से यहाँ पे चेक कर रही हूँ, 30 मिनट्स के बाद काफ़ी सुंदर से ये फूल गया है। एंड आई वाज ट्राइंग द टूथपिक मेथड, जिससे कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि केक अच्छे से पका है या नहीं पका है। लेकिन आप लोग टूथ स्टिक में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टूथपिक में थोड़ा सा केक का जो बैटर है वो लगा हुआ है, मतलब दिस इज़ नॉट कुक प्रॉपरली। सो ये रहा 45 मिनट्स के बाद, जो कि बहुत अच्छे से पक चुका है। सो अभी मैं इसको कमा के रख दूँगी या फिर 5 मिनट ऐसे ढक के रखूँगी, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। सो दिस इज़ द फाइनल केक विच एगलेस केक विच इज़ डन, एंड ऑल्सो इट लुक्स क्वाइट प्रिटी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा टर्न आउट हुआ है। एंड ऑल्सो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, एंड ऑल्सो इसका ये कैसा बना है वो शेयर करूँगी आपके साथ।
आपको मैं ये कट करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर से, मुझे एफर्ट ही देना नहीं पड़ रहा, ये कितने सुंदर से कट हो रहा है, बिकॉज इट वाज़ वेरी वेरी स्पंजी एंड आल्सो टेस्ट वाइज आई वुड रेट इट 9/10, क्योंकि काफ़ी अच्छा बना था। एंड आल्सो नॉर्मली आई वुड से एगलेस केक से, एग केक से ज़्यादा मुझे अभी एगलेस जो केक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि इसमें आपको वो मिल्क पाउडर का वो टेस्ट आएगा, इसका दही का आपको थोड़ा सा वो टेस्ट आएगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ द केक, इसका आधा मैंने ही पूरा खा दिया है। एंड ऑल्सो दिस वॉज आई गेस वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड ऑल्सो अपकमिंग और 2-3 केक के वीडियो आने वाले हैं, सो होप सो आप लोग एंजॉय करेंगे आगे के जितने सारे वीडियोस हैं। और आज के लिए बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ लिविंग विद पू, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।